तो अभी तक हमने देखा कि अतुल एटो भी कितना बड़ा बन सकता है, लाइक छाबरा के स्टंट भी क्यों ना हो, चितले की भाकरवड़ी भी क्यों ना हो। इसका मतलब यही है कि कोई छोटा हो बड़ा हो, कोई भी क्यों ना हो, बड़ा भी पहले छोटे से ही चालू हुआ था और छोटा भी बड़ा बन सकता है, लेकिन उसके लिए क्या क्या ज़रूरी है। सो बहुत सारी चीज़ों का आपको ख्याल रखना पड़ेगा, उसमें एक चीज़ ये है कि आपको चेकलिस्ट बनानी पड़ेगी। सो बिफोर स्टार्टिंग योर जर्नी यू नीड टू लाइक फाइनलाइज योर चेकलिस्ट, व्हाट आर द नीडेड पॉइंट्स, व्हाट इज द मतलब वो क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं कि जो आपको बनानी ही पड़ेगी और शायद वो आपकी जर्नी को आगे लेके जाने के लिए बहुत ईजी हो सकता है। सो हम मतलब बातें करेंगे उसकी कि कौन सी ऐसी चेकलिस्ट है, क्या क्या पॉइंट्स है जो मुझे मतलब एज अ एक्सपोर्टर आई नीड टू टेक केयर ऑफ दैट। श्योर मुझे लगता है कि चेकलिस्ट कोई भी बिजनेस करने से पहले हम उस बिजनेस की प्लानिंग करते हैं। यस तो एक्सपोर्ट भी वैसा ही है। एक्सपोर्ट एक तरह का बिजनेस है, जो हम डोमेस्टिकली करना चाहते हैं वो हमें एक्सपोर्ट के लिए अदर मार्केट में करना है। लेकिन अदर मार्केट की एक डिफरेंस है, डोमेस्टिक में और अदर मार्केट में क्या डिफरेंस है, तो मैं ये चेकलिस्ट इस समझ से या इस तरीके से आपको बताना चाहता हूँ कि ये चेकलिस्ट क्यों ज़रूरी है। हमें पहले ये तय करना चाहिए कि हमें एक्सपोर्ट ही क्यों करना है। Right. तो ये फंडामेंटल क्वेश्चन से हम अपने जर्नी की शुरुआत कर सकते हैं। Always like मैं बोल बताती कि why you want to start. Exactly. तो ये क्वेश्चन इमोशनल क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन स्ट्रेटेजिकल क्वेश्चन है कि क्यों एक्सपोर्ट करना चाहते हो। क्या आपके पास ओवर कैपेसिटीज है, आपके पास कैपेसिटी ज्यादा है और डोमेस्टिक मार्केट में जो आपका सेल है उससे आपको सरप्लस इज देयर एंड यू वांट टू एक्सपोर्ट। तो ये एक बात हो सकती है व्हाई यू वांट टू एक्सपोर्ट।